Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I hope you all people are doing good. Today I am going to discuss you about how to control your fear in an interview. I have seen many of the candidates that they feel very fearful when they are going for the interview. बहुत से candidates ने ये भी सवाल किया कि सर हम इसको कैसे काबू कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे. न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की फील्ड्स में ना इस चीज़ के ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो रिसर्चर्स ने बहुत सी चीज़ें फाइंड की, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब हम फियर को कंट्रोल करना चाहें तो एक्सपोजर थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. दैट इज़ व्हेन यू ग्रेजुअली एक्सपोज योर सेल्फ टू द फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, यू स्टार्टेड टू कोप अप विद दैट सिचुएशन. आप टैकल करना शुरू कर देते हैं उस सिचुएशन को, आपके माइंड में जो फियर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो कमी आने शुरू हो जाती है उनमें. तो जैसे जैसे उस एनवायरनमेंट में आप बार बार जाते हैं, आपका जो है फियर कम होना शुरू हो जाता है. इसी वजह से हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, हम उनको कहते हैं कि अपने इंटरव्यू में जाने से पहले आप 10 से 15 मॉक इंटरव्यूज़ दें. चाहे आप के टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या आप किसी और ऐसे शख्स को जानते हैं, हर किसी के पास जाके आप इंटरव्यूज़ दें, ताकि आप उस एनवायरनमेंट से ज़्यादा एक्सपोज हों और आपके ऊपर जो खौफ है वो उतर जाए और आप सीखें कि हर सिचुएशन को कैसे टैकल करना है. इसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि कह लो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि हाउ टू स्टॉप द नेगेटिव थॉट्स. हम बैठे होते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं. दैट व्हाट विल हैपन अगर हमें जवाब नहीं आया, व्हाट विल हैपन इफ दे आस्क मी अबाउट एनी जनरल नॉलेज क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द इंटरव्यूअर आस्क मी दैट व्हाई यू हैव स्कोर्ड सो मच लेस मार्क्स इन FSC, व्हाट विल यू डू. दिस इज़ नॉट द थिंग. आपने नेगेटिव थाट्स को माइंड में आने ही नहीं देना. आपने नेगेटिव थाट्स को हमेशा लड़ना है पॉजिटिव थाट्स के साथ, कि मेरे FSC में मार्क्स कम हैं तो क्या हो गया, मेरे जो है स्पोर्ट्स स्किल्स बहुत अच्छे हैं. अगर मेरे स्पोर्ट्स स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो क्या हो गया, मेरी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है. अगर मेरी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है तो क्या हो गया, मैं आज जो ड्रेसिंग करके आया हूँ, आई एम लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन इट, आई एम गोइंग टू गो इन द इंटरव्यू, और वो मुझे सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे. इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स जब आप माइंड में लेकर आते हैं, तब आपके नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं. इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत सी बात आती है, वो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. अब माइंडफुलनेस को हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे व्हाट इज़ माइंडफुलनेस, तो वहाँ पे डेफिनेशन आती है दैट माइंडफुलनेस इज़ अ टाइप ऑफ मेडिटेशन इन विच यू फोकस ऑन बीइंग इंटेंसली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेंसिंग एंड फीलिंग इन द मोमेंट विदाउट इंटरप्रिटेशन और जजमेंट. कि आपके माइंड में से तमाम की तमाम जो ओवर थिंकिंग वाले एलिमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं और आप अपने आप को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में ले आते हैं. अब भी आप क्या हैं, तो जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाते हैं आप हल्के हो जाते हैं. माजी का भार जो आपके ऊपर होता है ना, चाहे वो क्रिटिसिज्म है, चाहे वो कोई ट्रॉमाज हैं, वो उतर जाते हैं. क्योंकि ऊपर जाने के लिए अपना भार हल्का करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप ऊपर नहीं जा सकते. यहाँ पे आपको एक मैं कंसेप्ट सुनाना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा गुज़िश्ता दिनों मैंने सुना. वो कंसेप्ट ऐसा है कि हम जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं या अगर हम किसी बस में सफ़र करते हैं, हमारे पास जितना मर्ज़ी सामान हो हमें रोका नहीं जाता, हम ले जा सकते हैं. इवन के हमारी यहाँ पे जो लोकल बसेज अगर चलती हैं तो नीचे पूरे पूरे उन्होंने बकरियों के रेवड़ घुसाए होते हैं, मोटरसाइकिल्स घुसाई होती हैं, तो वो सब कुछ घुसा के ले जाते हैं. चार पहियाँ छतों पर रखी होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, तो कोई नहीं पूछता. तो जब यही सिचुएशन हम एयरपोर्ट पर जाके फेस करते हैं, तो एयरपोर्ट पर हमें एक्स्ट्रा लगेज ले जाने नहीं दिया जाता. हमें कहा जाता है कि आपका सामान इतना जो है वो ज़्यादा है, इसको आप कम करें, इसका वज़न ज़्यादा आ रहा है. क्योंकि जब आपने उड़ना होता है तो आपको अपने ऊपर कम वज़न रखना होता है. तो माजी का भार जो है उसे उठा के आप साइड पे फेंकें, अपने आप को प्रेजेंट में फील करें और स्टे मोटिवेटेड फॉर द अपकमिंग फ्यूचर. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स. इसके बाद एक और थेरेपी आ जाती है, बहुत से साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं. कुछ दिनों पहले ही ना ऐसे मैं ही एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया अपने दोस्त को लेकर. ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो वहाँ पे जाके 2 घंटे का उसका सेशन हुआ.
और उस साइकोलॉजिस्ट ने उसको एक एक्सरसाइजिंग मेथड बताया कि जब भी आप अपने आप को एनजाइटी, फियर या इस तरह की किसी सिचुएशन में पाएँ तो आपने सबसे पहले ओवरथिंकिंग बंद करनी है और दूसरी बात है आपने लंबे सांस लेने हैं। ब्रीथिंग मेथड उसने बताया कि लंबा सांस अंदर खींचना है, रोकना है और आँखें बंद कर लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता वो सांस को निकालना है। आपका जो भी सांस निकल रहा है उसके साथ अपनी एक थॉट को, नेगेटिव थॉट को आपने निकाल देना, साथ फील करना है कि आपकी सांस के ज़रिए वो नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल रहे हैं। तो ही प्रैक्टिस दैट और उसका जो एनजाइटी स्ट्रेस वाला जो सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ब्रीथिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद आपका इंटरव्यू है, तो आप ब्रीथिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, आप लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फेज़ है वो आ जाता है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमारी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, हमारे तो आज पेपर ख़त्म हुए हैं, कल हमारा इंटरव्यू है, हम क्या करें। ऐसे लोगों का चांस ही होता है कि वो इंटरव्यू क्लियर कर जाए अगर उनकी प्रेपरेशन ही अच्छी नहीं है। अब प्रेपरेशन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, आपका जो आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ वो आ जाता है, इसके बाद आपका जनरल नॉलेज आ जाता है, इसके बाद आपकी सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, लेवल ऑफ अवेयरनेस आपका कैसा है वो आ जाता है, फिर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तमाम चीज़ें प्रेपरेशन में आ जाती हैं। अगर आपने इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है तो फिर आप जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और जिसकी प्रेपरेशन अच्छी हो उसको किस चीज़ का डर होता है। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात आती है कि प्रैक्टिस बिफोर हैंड, के वक़्त आने से पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए, कि जब वक़्त आए तब ना शुरू की जाए। कहा जाता है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। हमारी एक बहुत बुरी आदत यह है कि हमने पेपर्स के दिनों में पढ़ना होता है, हमें जब सर पे काम हमारे आ जाए हमने तभी करना होता है, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, हम एक स्लॉथ हैं। तो हमने इस एटीट्यूड से बाहर आना है, हमने प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है, हमने आज का काम आज मुकम्मल करना है। और इस तरह जो है ग्रेजुअली आप अपने आप को इस प्रैक्टिस के मामले में बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी अनइम्पॉर्टेंट सी बात है, हमें अनइम्पॉर्टेंट लगती है लेकिन है इम्पॉर्टेंट, वो है अपने आप से सवालात करना, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना। कभी आप सुबह के टाइम फजर के बाद ग्राउंड में जाकर बैठें, अकेले बैठें और अपने आप से सवाल करें कि मैं ये काम ज़िंदगी में करने जा रहा हूँ तो क्यों करने जा रहा हूँ, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ सर्टेन जॉब, इफ़ आई एम गोइंग टू गिव अ सर्टेन काइंड ऑफ पेपर, मैं इस एग्ज़ाम में पेयर होने जा रहा हूँ, मैं क्यों होने जा रहा हूँ। जब आप उस क्यों का मतलब फ़ाइंड आउट कर लेना तब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे घर से प्रेशर है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं ग्राउंड में जाके बैठूँ, मैं एक अलोन एक इन्वायरमेंट में बैठूँ जहाँ पर मुझे कोई तंग करने वाला ना हो, वहाँ पर अपना फ़ोन ऑफ करके मैं बैठूँ और मैं सोचूँ कि शराज तूने डॉक्टर बनना है, और अगर तू डॉक्टर बन गया तो तू बहुत से लोगों की खिदमत कर पाएगा, बहुत से लोग तुझे दुआएं देंगे, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तो फिर मैं वाकई मोटिवेटेड होऊंगा और मैं मेहनत करूंगा उस काम के लिए। लेकिन अगर मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं शराज तूने बिजनेसमैन बनना है, तूने टेक्नोलॉजी का जो है पाकिस्तान में लेकर आना है, तूने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है अपग्रेड करने की कोशिश करनी है, तो मैं डॉक्टर बनूंगा भी तो मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, ना मैं उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाऊंगा, और बहुत मुश्किल है कि मैं टेस्ट भी पास कर पाऊँ एमडी कैट का, ठीक है ना। तो अपने आप से सवाल करना है कि इफ़ आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं क्यों देने जा रहा हूँ। अगर आपका रीज़न स्ट्रांग है ना, अंदर से रीज़न आ रहा है आपके, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता आगे जाने से। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद होता है, इंसान को और कोई चीज़ हरा नहीं सकती, सिर्फ उसका माइंडसेट उसको हरा देता है। तो अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें एंड यू आर गोइंग टू शाइन। सो यही जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है यही आपकी कामयाबी का राज बन सकती है। इट कैन हेल्प यू टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिड्यूस एंजाइटी, कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट यू आर कैपेबल, प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर द इंटरव्यू। अगर आप ये नहीं करते यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेसफुल एनीवेयर इन योर लाइफ। तो हमेशा अपने साथ एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज़रूर करें। अच्छा,
यहाँ भी बैठे बैठे एक और टेक्निक भी है, दैट इज़ विजुअलाइज सक्सेस, कि अपने सामने जो आपका सक्सेस है उसको विजुअलाइज करें। जब आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाए ना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे अंदर से मोटिवेशन है, मैं वाकई ये काम करूँगा, तो फिर विजुअलाइज करें सक्सेस को, अपने सामने अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करें कि वन डे इंशाल्लाह आई विल गोइंग टू बी हेयर, आज मैं यहाँ पे हूँ तो कल मैं यहाँ पे होऊंगा, तब जो है कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप बिलीव कर लेते हैं ना, आधा रास्ता आप कवर कर लेते हैं। तो हमेशा जो है सक्सेस को विजुअलाइज करते रहा करें। मेरे जो टीचर हैं कैप्टन इस्माइल, मैंने बहुत दफ़ा पिछली वीडियोज़ में भी जिक्र किया है उनका और उनकी स्क्रिटेशन का, कि वो कहते थे आप ISSB में ऐसे जाएं जैसे आपको फ़ौज की नहीं, फ़ौज को आपकी ज़रूरत है। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड दैट मेक्स यू अ वुल्फ, और आप कामयाब हो जाते हैं। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स जिस पे आप अमल करके अपने इंटरव्यू के फियर को दूर कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह ताला आपका हामे नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।